हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन बट वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रोफ्यूजन वेल्डिंग। ये काफी बार ये पूछा गया है आपके एंड से, ठीक है। तो हम जैसे ये पाइप देखेंगे, ये 160 mm का HDPE पाइप है, ठीक है। इसके यहाँ पे हमने दो पाइप्स को जोड़ रखा है और ये जो वेल्डिंग हो रखी है ये हमारी बट वेल्डिंग है, ठीक है। इसके अंदर कोई हमें फॉरेन मटेरियल या कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पाइप चाहिए। जैसे ये दो पाइप्स हैं, बीच में हमने हीटिंग मिरर डाला और मशीन पाइप्स को दोनों को अटैच करके और ये वेल्ड कर दिया, ये हमारा बट वेल्ड हो गया। फिर अगर इन दोनों पाइप्स को वेल्ड करना है हमें, एक और मेथड है जो कि इलेक्ट्रोफ्यूजन है। इलेक्ट्रोफ्यूजन की ये कपलिंग आती है, ये इस तरह से कपलिंग रहती है, ये इसमें दो पिन्स रहती है, ये दो पिन्स रहती है, ठीक है, और इस पे ये एक बार कोड रहता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफ्यूजन वेल्डिंग जो होती है ये भी HDPE पाइप्स को ज्वाइन करने के लिए होती है। अब ये कैसे होती है, ये कपलिंग है, ये 160 mm की है, ये एक साइड से इस पाइप में ऐसे लग जाएगी और दूसरी साइड से ये इस साइड से पाइप में घुस जाएगी। अब इसको यहां से हम हीट करेंगे और ये यहाँ पे मेल्ट होके अंदर इनर साइड से इसकी जो लेयर है वो मेल्ट होके और इन दोनों को ज्वाइन कर देगी। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रोफ्यूजन का, ये फिटिंग है हमारी, इसके अंदर दो पिन्स हैं, एक ये पूरा एक सर्किट कंप्लीट करती हैं। इसके अंदर आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी लाइंस हैं, बहुत सारी लाइंस हैं। इसके अंदर क्या है, फिटिंग के अंदर वायर पूरा सर्कुलर राउंड में कॉइल होके यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक जाता है। तो इसके अंदर जब करंट पास होता है तो उस वायर का रेजिस्टेंस काफी हाई है, उससे फिटिंग अंदर से गर्म हो जाती है और ये पाइप को पाइप से चिपक जाती है, तो इससे लीक प्रूफ ज्वाइंट बनता है। ये ज्वाइंट इतना लीक प्रूफ है कि गैस भी इससे नहीं निकल सकती, ठीक है। फिर इसके अंदर फिटिंग के अंदर दो छेद होते हैं, एक ये छेद है एक ये छेद है। इसका मतलब क्या है, जब हम वेल्डिंग शुरू करेंगे इसके अंदर जो मेटल ये प्लास्टिक है ये बाहर आ जाएगा, एक पिन की तरह बाहर आ जाएगा। उसका मतलब होगा हमारी ये फिटिंग प्रॉपरली अटैच हो गई है और वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर ये बारकोड स्कैनर है, इसके अंदर डिटेल्स दी हुई है 5160, मतलब ये 160 mm पाइप के लिए है और इसमें लिखा है 39.5 वोल्ट इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। इसमें लिखा है FT 405 सेकंड्स, FT इज फ्यूजन टाइम। तो फ्यूजन टाइम मतलब इसका जितनी देर ये हीट करेगी वो टाइम है 405 सेकंड्स। फिर यहां पे है CT मतलब कूलिंग टाइम, इसका है 15 मिनट्स, मतलब ये 405 सेकंड तक तो गर्म होगी, उसके बाद 15 मिनट तक ये कूल होगी। हम इस बारकोड को अगर स्कैन करेंगे अपने स्कैनर से तो ऑटोमेटिकली मशीन में ये यूनिट्स फीड हो जाएंगी, वरना आप मैनुअली इसे देख के भी फीड कर सकते हैं, ठीक है।